तो की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं न्यून मैन और आज हम बात करने वाले हैं अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना रिसेंटली अपना एक नया वीडियो अपलोड किए थे। वो वीडियो बहुत घंटों तक ट्रेंडिंग में नहीं आया था, जबकि उसमें व्यूज काफी अच्छे आए थे। तो इस चीज के ऊपर अमित भड़ाना रिएक्ट किए थे, तो आप खुद देख सकते हो उन्होंने क्या कहा। और मुझे पता है एक दो दिन बाद थोड़ा लेट आई है वीडियो, तो व्यूज इफेक्ट होंगे, लेकिन काम अच्छा है। मैं यही सोच रहा था यार, वीडियो मेरी 4 घंटे 12 घंटे में ट्रेंडिंग पर आ जाती थी, पर पता नहीं इसको क्या हुआ, ये नहीं आई है। बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनती है, 6-6 7-7 दिन शूट करना, वही गर्मी में, तपती गर्मी में, मुंह पे लाइटें लगना, खाना पीना ऐसे ही बस, सुबह नाश्ता कर लिया तो रात को ही कर रहे हैं। बड़ी मेहनत होती है और फिर वो उतने लोगों तक पहुंचे ना, तो बड़ा बस अजीब सा मन हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्मिक वाईटी के बारे में। आपको याद होगा कॉस्मिक वाईटी का चैनल बैन हो गया था कुछ दिनों पहले, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था एंड उसके बाद उनका चैनल वापस आ गया था। बट आज फिर से कॉस्मिक वाईटी के साथ एक बहुत ही अजीब चीज हुई। कल वो अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके बताया कि उनके चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है एंड उसके वजह से लाइव स्ट्रीमिंग उनका डिसेबल हो चुका है। बट फिर वो कुछ घंटे बाद अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाले कि जिसने उनको स्ट्राइक दिया था उससे उनका ईमेल के थ्रू बात हुआ एंड वो कहे कि उन्होंने स्ट्राइक दिया ही नहीं। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, पॉज करके ईमेल रीड कर सकते हैं। कॉस्मिक कहे यूट्यूब ने इसका कॉन्टैक्ट दिया कि इसने स्ट्राइक दी है, बट ये बोल रहा है कि इसने नहीं दिया है। यूट्यूब इंडिया, आर यू ड्रंक? बिकॉज फर्स्ट माई चैनल गॉट टर्मिनेटेड एंड नाउ फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। अब इसके दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो वो जो स्ट्राइक दिया है वो मजाक कर रहा हो, या फिर यूट्यूब में सच्ची में कुछ ऐसा इशू हुआ हो। बट एनीवेज, अच्छा हुआ कि कॉस्मिक वाईटी के चैनल से स्ट्राइक हट गया, अब वो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर अवार्ड्स के बारे में। बहुत सारे यूट्यूब को एग्जिबिट अवार्ड्स मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंग्री प्राश अपने कम्युनिटी टैब में ये पोस्ट किए, रिसीविंग माय फर्स्ट ऑफलाइन अवार्ड फॉर वन ऑफ द टॉप 10 एंटरटेनर ऑफ द ईयर बाय एग्जिबिट मैगजीन, थैंक यू। देन बीबी की वाइंस भी ये पोस्ट किए, मोस्टली सेन भी पोस्ट किए एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये अवार्ड मिला। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं साइमन सेज के बारे में। रिसेंटली साइमन सेज एक वीडियो अपलोड किए खानदेशी मूवीज के छोटू के बारे में, टॉकिंग अबाउट कि उनके एक वीडियो में कैसे 450 मिलियन व्यूज है। इस वीडियो को खानदेशी मूवीज नोटिस किए एंड वही वीडियो जिसमें 450 मिलियन व्यूज थे उसके पिंड कमेंट में वो ये डाल दिए, साइमन सेज से आए हुए सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है, कृपया अपना वैल्यूएबल कमेंट देते हुए जाइए। इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए साइमन सेज अपने इंस्टाग्राम में ये डाले, दिस इज द पिंड कमेंट ऑन अ वीडियो विद ओवर 460 मिलियन व्यूज, वेल डन सेना। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमिनम सिंह ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन हर्षित गगन वाइंस ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन शोएब अख्तर ने कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन खुजली फैमिली ने भी कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन राउंड टू हेल ने कंप्लीट कर चुके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली स्ले पॉइंट को मिल चुका है अपना गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एटिका के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने एटिका के बारे में आपको बताया था कि वो करेंटली अभी मिसिंग एंड बहुत लोग चिंता कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर एक नया अपडेट आया है। किमस्टार अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए, एट द मैनहट्टन ब्रिज वेडनेसडे नाइट कॉप्स फाउंड एटिकास ड्राइवर्स लाइसेंस एंड अदर कार्ड्स एंड हिज वॉलेट, कॉप्स फाउंड हिज सेल फोन एंड अ ब्लैक एंड रेड निंटेंडो स्विच एंड लैपटॉप बैग दैट वाज हिज, एनवाईपीडी सोर्सेस सेड। आई थिंक वी लॉस्ट हिम गाइस। ये देख के भी बहुत लोग बोल रहे थे हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो, एटिका वहां जाके फेंके होंगे, बट अभी तक कुछ कंफर्म्ड न्यूज नहीं आया लीविंग ऑल दिस ड्राइविंग लाइसेंस जो उधर ब्रिज के नीचे मिला। अगर कुछ आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लोगन पॉल के बारे में। तो लोगन पॉल कल अपने ट्विटर में ये ट्वीट किए, आई एम द फास्टेस्ट यूट्यूबर एंड आई एम विलिंग टू पुट $100,000 ऑन इट। फेस सेंसर उनको रिप्लाई किए, लेट्स रेस ब्रो। देन वापस लोगन पॉल उनको रिप्लाई किए, July 27th क्लियर योर कैलेंडर। तो क्या उनके बीच में कुछ कंपटीशन होने वाला है फॉर $100,000? लेट्स सी। एंड अगर होगा तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तो आपको अच्छा वीडियो चला तो प्लीज लाइक के बिना कहीं मत जाना है। आज का लाइक हम रखते हैं 28,500 लाइक्स। आई नो अपलोड कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तक तो भाई जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूं पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज सबमिट करना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले सबमिट करोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।